ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको यह है एक नेम का वो बनाया है, एक टाइटल का बनाया है और एक ईमेल आईडी का बनाया है। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने नेम लिखा और उसका नाम लिखा, ठीक है, इसका टाइटल, फिर इसका नाम लिखा रिजवान, फिर इसका टाइटल लिखा, फिर बस लिखा, फिर जैन लिखा, अगर हम इसको लिखेंगे मिसाल के तौर पे, अगर मैं इसको एक एक करके लिखूँगा तो इस पर बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, एक एक को मैं लिखूँगा तो काफ़ी टाइम इस पर लग रहा है। जैसे मैं आप लिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कुछ भी लिख दिया मैंने, लिख दिया लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं अगर एक एक आईडी लिखूंगा और उसको करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसमें मैं कॉन्कैटिनेट का फंक्शन यूज़ करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैं कॉन्कैटिनेट का फंक्शन यूज़ करूंगा, इसमें मैं ये बार जो है ये इधर से आया है, ठीक है, ये इधर से आया है, इसके बाद ये आया है, ये इधर से आया है, फिर इसके बाद जो है मैं इसमें जो भी आपका डोमेन होगा कंपनी का वो लिख देंगे हम, और फिर इसको एंटर करेंगे तो ये आपका काम हो जाए, फिर इसको पकड़ के आप ऐसे करेंगे और ये आपका जब से काम हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।